प्रणाम गुरुदेव। आओ राजन, कहो कैसे आना हुआ? गुरुदेव, मैं एक विचार लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। अपना विचार व्यक्त करो राजन। गुरुदेव, मेरा चौथापन आ चुका है, राजकाज में मेरा मन नहीं लगता, इसलिए मैं चाहता हूं कि मुझे राजकाज से मुक्त कर दिया जाए और मैं अपने पुत्र राम को अवध का राजा बनाना चाहता हूं। ये तो बड़ा ही उत्तम विचार है राजन। राम सर्व गुणों से संपन्न, उनको ही राजा बनाना चाहिए राजन। और राम प्रजा में लोकप्रिय भी हैं। और हां राजन, कल का दिन बड़ा ही शुभ है। राजन, राम के राज तिलक की तैयारी की जाए। धन्य है गुरुदेव, धन्य है। मंत्री जी, हम आपको ये आदेश देते हैं कि अवधपुरी को दुल्हन की तरह सजा दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। अरे बेटा, ये नाच कैसा, ये गाना कैसा, और ये घर घर क्यों सजाए जा रहे हैं? अरे बुढ़िया, क्या तुझे नहीं मालूम? अरे बेटा, मुझे तू ही बता दे। अरे मैया, तुझे नहीं पता, कल हमारे राम का राज तिलक होने वाला है। क्या कहा, मेरे भरत लाल का राज तिलक है? अरे बुढ़िया, भरत लाल का राज तिलक नहीं, हमारे राम का राज तिलक है कल। राम का राज तिलक के कई को ऐसा पाठ पढ़ाऊं, राज पाठ सब भंग कराऊं, भरत को राज मैं दिलवाऊं, षड्यंत्र मैं खूब रचाऊं। ए बुढ़िया, ले राम के राज तिलक के लड्डू खा ले। लड्डू खाओ तुम, मैं भी देखती हूँ राम को राज तिलक कैसे होता है। कुबड़ी। अरे कुबड़ी, एक लड्डू तो खाती ही जाओ ना। महाराज दशरथ रामा को अवध करा।
कहाँ चली अपना कुवड़ लेके, रुक जा रुक जा। ए नास पीटो, आग लगे तुम्हें, मर जाए तुम्हारे भैया भतीजे, बिजली गिरे बिजली तुम पर, हाँ देख लूंगी एक एक को। हाँ अरे ओ बुढ़िया, कम से कम अपनी लाठी तो लेती जा। अरे लाठी का सहारा मिले तुझे। हाँ जा रही हूँ रानी के पास। बुढ़िया बुढ़िया कुबड़ी कुबड़ी। मंथरा क्या हुआ तुझे, हम सब ने सीस गुथाई है, तू ने क्यों बाल बिखेरे हैं, तू जो रो रही सगुन स्यार लक्षण कैसे तेरे हैं, क्या कहीं लड़ झगड़ कर आई है, भूखी है अथवा प्यासी है, मेरी सौगंध बता जल्दी, दासी ये कैसी उदासी है। पुत विदेश न सोच तुम्हारे, जान तू हो बस राम हमारे। अरे रानी जी आपको कुछ ज्ञात है, आपके साथ अयोध्या में क्या क्या षड्यंत्र हो रहे हैं। हाँ क्या करूं, मुझे तो बस आप ही की चिंता रहती है, आपके मायके से आई दासी जो हूँ। रानी जी जिन महाराज को आप अपना ही तेजी समझती है ना, उन्हीं महाराज ने तुम्हारे लाल भरत को छोड़कर उस कौशल्या के नंदन राम को राज तिलक करवाने की बात की है। हाँ की तू बिसराए, हंसती है यह सब सुन करके, तेरी मती गई बोराए, हंसती है यह सब सुन करके।
अरे मंथरा मंथरा, ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। मुझको समान है राम भरत, एक पेड़ की दो शाखे हैं, मुझ चिड़िया के दो पर है, दोनों ही मेरी आंखें हैं। यदि राम भरत सा प्यारा है तो भरत राम सा प्यारा है, गोदी का भरत दुलारा है तो राम नयन का तारा है। हाँ महारानी जी, ये आप ही तो सोचती हो, जब भी सोचा राम के विषय में ही सोचा, जैसे भरत लाल आपके कुछ लगते ही न हो। यदि तुम इस रण में हार गई तो भरत रहेगा दासों में, रखेगी तुमको कौशल्या दासी समान रणवासों में। क्या कहा, दासी और मैं? कदापि नहीं। क्या मजाल अब राजा की, जो हक भरत का दूर करे। किंतु मंत्रा, मैं तो कुछ जानती भी नहीं। अरे महारानी जी, याद कीजिए वही, अरे युद्ध वाली बात। महाराज पर आपके तो वरदान धरोहर है, आज अवसर है, उन्हें मांग क्यों नहीं लेती। पहले वर में रानी जी अपने भरत लाल को रास तिलक, हाँ, और दूसरे वर में उस कौशल्या के पुत्र राम को 14 वर्षों का वनवास। हाँ, तेरी मति की बलिहारी, अब से भरत ऋणी तेरा। मंथरा, तू उसकी महतारी है, दासी तुझ पर वारी जाऊं, क्या दीवार कपट की तोड़ी है। आने दी महाराज को, मैं देखती हूं। महारानी जी, होशियारी से काम लेना, कोई ना समझी मत करना। ये वरदान जो है ना, इतनी आसानी से मिलने वाले नहीं है। को भवन में जाओ, हाँ, ये आभूषण उतार कर फेंक दो, रुदन करो। अच्छा महारानी जी, अब मैं चलती हूँ, अब परंतु मेरी कहीं याद रखना। भरत का राज तिलक होगा, हाँ, मेरे भरत का राज तिलक होगा। मैं राम का राज तिलक कदापि नहीं होने दूंगी। मृगनैनी, पिकवैनी, हे प्राण प्रिय, बोलो बोलो, ये ढंग कुढंग क्यों है, बेवक्त फूल से मुखड़े का हो रहा मलिन रंग क्यों है। क्यों मुझे सताने आए हो, मैं होती कौन तुम्हारी हूँ। मन में रखते हो स्वार्थ भाव, प्रत्यक्ष मनाने आए हो। इस जग में कौन हुआ किसका,
सब मुंह देखे की चाहत है वही तुम्हारी प्राण प्रिया जिससे पूरी अपनायत है। तुम कहते हो मांगो रानी, वो जान मांग पर मिटती है। बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख न मिलती है। अच्छा ये कविता जाने दो, बतलाओ तो क्यों रूठी हो। तुम तो फूलों सी हंसती थी, इस समय क्या हुआ रोती हो। अच्छा तो आप मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो, रघुवंशी हो, सत्यवादी हो, प्रण पालन करने वाले हो। राजेंद्र धर्म है पुरुषों का, जो कहते हैं सो करते हैं। महारानी जी, आप अधिक वार्तालाप में व्यर्थ समय ना गवाएं। हम रघुवंशी हैं, अपने वचनों से फिरते नहीं हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। व्यर्थ है ये सब नकली जोश राजा जी, वक्त पर हो जाते हैं बड़े बड़े खामोश। महारानी जी, हमने जो कहा वो हम करेंगे। हाँ महारानी जी, आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर बिखर जाएं, पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में भर जाएं, पर मातमा गवाह है अनुचित नहीं होगा। रघुकुल नरेश धर्म से विचलित नहीं होगा। यदि इतने ही सत्यवादी बन रहे हो तो राम की सौगंध खा लीजिए, अन्यथा मैं कौ भवन में रोती हूँ तो मुझे रोने दीजिए। किसी का क्या जाता है, मैं उस कौशल्या को भी जानती हूँ और आपको भी पहचानती हूँ महाराज। बस बस महारानी जी, यदि आप यही चाहती हैं तो ठीक है, मैं आज पहली मर्तबा उस पुण्य नाम की खाता हूँ तेरे सामने सौगंध राम की। तो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, वर अपने आज मांगती हूँ कौशल्या नंदन के बदले, निज सुख को राज्य मांगती हूँ। क्या? हाँ, दूसरा ऋण जो है मेरा, तुम सुनकर कंपित मत होना। यदि क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो पथ से विचलित मत होना। राजा जो राम हो रहा वो राजा नहीं उदासी हो। कल ही से 14 वर्षों को तपसी बनकर वनवासी हो। ये तूने क्या मांग लिया? हाय महारानी, ये तूने क्या मांग लिया? महाराज, क्या भरत लाल आपके पुत्र नहीं है? क्या आपने मुझसे विवाह नहीं किया? वरदान देते समय ये नहीं सोचा था कि उन्हें पूर्ण भी करना पड़ता है। याद कीजिए महाराज, वही युद्ध क्षेत्र की बात, जब आपके प्राण बचाने के लिए मैंने रथ के पहिए में अपनी उंगली डाली थी। उस समय तो आप बड़े प्रणवीर बन रहे थे, किंतु जब आज मेरे वरदानों की बात आई तो आप आनाकानी कर रहे हैं। सब पुत्र पिता को है समान, ये बात तू भी जानती है। मुझे एक से राम भरत ये त्रिभुवन नायक साक्षी है।
वो नहीं हुआ है भार मुझे, वो नहीं हुआ है भार मुझे, मिल जाए राज भरत को ही उत्साह सहित स्वीकार मुझे, पर राम बनो में वास करे, पर वो भी 14 वर्षों का, इसमें क्या तूने सोचा है, मैं समझ न पाया वेदों को, रानी रानी तेरा पति जो तेरा पूज्य देवता है, इस समय पकड़ कर पाओ तेरे बस इतनी भीख मांगता है, तपसी होकर भी दूर न हो मुझसे आनंद धाम मेरा, मेरी बूढ़ी आंखों के आगे रहे राम। महाराज, दो वर जो मैंने मांगे हैं अब उनको बदल नहीं सकती, पड़ गई रेख जो पत्थर पर धोने से निकल नहीं सकती, यदि हृदय आपका दुखता है तो एक सुझाव सुझाती हूँ, इन बूढ़ी आँखों के आगे ही रहे राम, उपाय वही बतलाती हूँ, हफ्तेश बात घर ही में है, कुछ पंचों में अपमान नहीं, तुम अपने मुख से ये कह दो दूंगा पिछला वरदान नहीं। ओ नीच बुद्धि वाली नारी, महिमा से हमें गिराती है, जो सत्य हमारा जीवन है उसी से हमें डिगाती है, हम सूर्य वंश की चादर में काले मान नहीं आने देंगे, संते है प्राण दे देंगे, वचन नहीं जाने देंगे, वचन नहीं जाने देंगे, वचन नहीं जाने देंगे। लो, हो गए वरदान पूरे, क्या ऐसे ही दिए जाते हैं वरदान? महाराज, मैं आपको आपके ही पूर्वजों की एक गाथा सुनाती हूँ, तनिक ध्यान से सुनिएगा। सत्यवादी था नृप हरिश्चंद्र, जिसने सत्य तजान संकट में, जिसकी सच्चाई का चिराग जगमगा रहा है मरघट में, फिर दूसरे हुए महाराज शिवी, जो नहीं सोचते थे अपना, रक्षा पर एक कबूतर की मांस तोलते थे अपना, फिर तीसरे हुए श्री युद्ध ददीची, जो सुयस्य दान कर देते थे, जब आकर इंद्र मांगते थे तो हड्डी अपनी दे देते थे, मैं तुमसे हरिश्चंद्र जैसा मरघट का वास न मांग रही, मैं तुमसे शिवी ददीची जैसा हड्डी ना मांस मांग रही, मैं मांग रही कर्जा अपना, जो देना तुमको वाजिब है, तुम हरिश्चंद्र के कुल के हो, बस दे दो यही मुनासिब है। पास के कई पास, रानी रानी आज चल पसार। लीजिए महाराज, कर्जा ले और दान मिले, मैंने अपना आंचल पसार लिया, राज मिले गद्दी मिले, दीजिए महाराज, वनवास मिले और प्राण मिले। बचने बाध्य राजा दशरथ ने
महारानी जी, महाराज की ये दशा क्यों है? महाराज भूमि पर क्यों पड़े हैं? आ नहु राम ही बेगी बुलाई, समाचार तब पूछ हुआई। परंतु महारानी जी, महाराज की दशा का कारण तो बताइए। मंत्री जी, आज्ञा का शीघ्रता से पालन हो। जो आज्ञा महारानी जी। धीरे से समझा, समझ सुमंत्र गए हैं उस दम। पास राम के पहुंचे आए, रंग महल में राम से बोले, तुमको राजा रहे बुलाए। इतनी बात सुनी मंत्री की, फौरन राम महल संग आए, चरण वंदना करी राम ने। पित चरणों में शीश नवाए, दुखी आत्मा थी राजा की। पिताश्री प्रणाम, माताश्री प्रणाम। माताश्री, पिताश्री के दुख का कारण कहो। राम, मैं तुम्हारी सौगंध खाकर कहती हूँ, महाराज पर मेरे दो वरदान धरोहर थे। सुअवसर जानकर मैंने महाराज से उन्हें मांग लिया। पहले वरदान में तुम्हारे भाई भरत को राज तिलक। ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है माताश्री। और दूसरे वरदान में तुम्हें 14 वर्षों का वनवास। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात वचन अनुरागी। बड़ भागी वो बेटा है, जो पितु मां का आज्ञाकारी है। माता यही आज्ञा तो जिंदगी सफल हमारी है। राम, राम, मेरे लाल, राम, 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 मेरे पुत्र राम, मेरे पुत्र राम। पिताश्री, आप तो धर्म और नीति को जानने वाले हैं। शोक और संताप को छोड़कर मुझे वन गमन जाने की आज्ञा दें। राम, मैं कितना अभागा हूं कि आज अपने पुत्र को वनवास दे रहा हूं। कितना अभागा हूं मैं राम, कितना अभागा हूं मैं, कितना अभागा हूं मैं, कितना अभागा हूं मैं। राम, आज्ञा का शीघ्रता से पालन हो, शीघ्र ही वन गमन करो। नहीं के, रोक ले मेरे राम को, रोक ले के गए। देख मेरा राम जा रहा है, के रोक ले मेरे राम को, रोक ले। हाथ जोड़ कर
मुझे छोड़ तू बन को जाए। करुण वचन सुन रामचंद्र ने फिर राजन से कही सुनाए, करूं प्रतिज्ञा पूरण तुम्हारी मैं दिन बन में ले बिताए। के कई माता का दुख सारा मैं ना रहूं दूर हो जाए, आज्ञा मांगी हाथ जोड़ कर और चरणों में शीस नवा। देख रही के कई महलों में राम कहे पिता से समझा, देख रही के कई महलों में। पिताश्री आप साहस और धैर्य धारण कीजिए, मैं 14 वर्ष के उपरांत आपसे पुनः मिलूंगा। राम तुम जानते हो कि 14 वर्ष मैं नहीं काट पाऊंगा। राम तुम्हारे बिना तो एक क्षण काटना भी बड़ा कठिन है। राम तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे तो ये प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। राम ये प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। राम ये प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। देखो राम मेरे दुर्भाग्य को देखो, कितना दुर्भाग्यशाली हूं। राम श्री, आप तो छत्राणी हैं, धैर्य धारण करके अब हमें वन जाने की आज्ञा दें। राम अपने शब्दों से कितना कुठाराघात कर रहे हो। 14 वर्षों की अवधि काफी होती है। राम 14 वर्षों के उपरांत जब तुम वापस आओगे तो मैं तुम्हें नहीं देख पाऊंगी राम, क्योंकि क्योंकि मैं रो रो के अंधी हो जाऊंगी। राम अंधी हो जाऊंगी। राम क्या सभी चले जाओगे? माता श्री मेरा कर्तव्य? कर्तव्य का पालन करो राम। यदि मेरे भाग्य में वेदना लिखी है तो मैं उसे सह लूंगी राम।
सहलूंगी राम, सहलूंगी राम, मैं सहलूंगी उसे। सुमित्रा, सारे महल के दीवे बुझा दे सुमित्रा, वो देख मेरे कुल का दीपक चला जा रहा है, रोक ले उसे सुमित्रा, रोक ले सुमित्रा। सुमित्रा मेरे राम को रोक ले सुमित्रा। कुलघातिनी केकई, तूने धर्म को भी नहीं विचारा, वनवास राम को हुआ है, तुझे पुत्र वधु सीता को वल्कल वस्त्र देने का कोई अधिकार नहीं है। Thank you.
आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि आप लोग मेरे नगर में प्रवेश करें। भक्त निषाद राज, हम अपने पिता के आदेश का पालन करते हैं। किसी के नगर में जाना रहना हमारे लिए उचित नहीं है। कैसी भाग्य की विडंबना है, संसार को सुख देने वाले, सबका कल्याण करने वाले आज स्वयं घास फूस की सैया पर सो रहे हैं। यह भाग्य की विडंबना नहीं है तो और क्या है। जी, अब आप अयोध्या लौट जाओ और हमारी सभी पुरवासियों, माताओं, पिताश्री से, भाइयों से हाथ जोड़कर कुशल कहना। पुत्र राम, मुझे लौट जाने को मत कहो,
तुम सब मेरे साथ अयोध्या वापस लौट चलो पुत्र, मैं महाराज को क्या मुंह दिखाऊंगा। सुमन जी, मुझे पिताश्री की आज्ञा का पालन करना होगा, अतः तुम अयोध्या लौट जाओ। करो प्रभु, कोनो नैया और देख लियो। प्रभु, छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन ते काठ ना कठिनाई, तरनी मुनि घरनी हुई जाई, बाट परे मेरी ना उड़ाई। उपाय होगा? एक उपाय है। बोलो केवट, बताए दे। ऐसन है प्रभु, आपको कौनो कोई दोष नहीं। अरे सारा दोष तो इन चरण कमलन की धूरी को है प्रभु। हाँ, एक बात और सुन लियो, हमने कह दई तो कह दई, और तुमको सुननी पड़ेगी। हाँ प्रभु, जब तक आपके चरण ना पखार लेंगो, मैं अपनी नैया में नहीं चढ़ाए। अरे ने लक्ष्मण भैया को तो देखो कैसे तीर दिखावत हैं। लेकिन प्रभु एक बात सुन लो, यदि लक्ष्मण भैया हमें तीर भी मारें, तब भी हम नाव में नहीं बैठा रहेंगे। हम नाव में तो तब बैठा रहेंगे प्रभु। अरे जब हम आपके पांव पखार लेंगे, कैसी कही प्रभु। केवट, जो तुम्हारा मन करे वो करो, बस हमें गंगा के पार उतार दो। अच्छा प्रभु, का कही? तनी तनी फिर से कही, हमने सुनी ना प्रभु, हमने सुनी ना, तनी फिर से तो कहो। केवट,
तुम पांव पखार सकते हो। का धन्य हो प्रभु, धन्य हो, हमारी इच्छा पूर्ण हो गई। अरे प्रभु, हम आपको एक पूर्व जन्म की कथा बताए थे। अरे प्रभु, ये लक्ष्मण भैया है ना, पिछले जन्म में शेष नागे और हम कछुआ रही। जब जब हम पांव पखानन जावई, जब जब पैर छुअन जाए, ऐसी फुबकार मारई और हम पीछे हो जाए। प्रभु हमने भी प्रण कियो तो, अरे कवि तो चरण पखारने का मौका मिलेगो। प्रभु बोलो, प्रभु आएगा ना हमरे द्वार, अब तो हम पैर पखारेंगे और चन्नामृत लेंगे और सारे गांव को चन्नामृत देंगे। प्रभु तनि फिर कहा, हम पैर पखारने। केवट शीघ्रता करो, हमें विलंब हो रहा है। का? अरे ओ कलुआ हो, अरे ओ कलुआ कांगो, आवत रही बापू। अरे तनी कठौआ लया, मैं जल लया, तनी अपनी माई को भी बुला के ला। का कहो मैया को? अरे कहा फुलवा को बुलाए ला। अरे कहाँ गई तुहार माई? बापू मैया तो चंपिया बुआ के यहाँ गई रही। अरे ये के घेट काटे, ये को मारे, ये चंपिया घर जाना ना छोड़ेगी। अरे कलुआ का करे, देख भगवान द्वार पे खड़े। अरे कहाँ गई कलुआ की अम्मा हो? अरे कहाँ है, जब देखा खेट खेट कन काम नहीं का। अरे सास की, अरे तो अकल नहीं है। अरे देख कौन आए, प्रभु आए हैं। अरे जुहार कर ले, जुहार जुहार प्रभु, जुहार सीता मैया, जुहार लखन भैया। अरे एक कलुआ, अरे तेरी घट मारे, अरे तो बुद्धिहीन है और जैसी माई वैसा लाला। अरे 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 कठौआ में पानी भर के ला। आहा, कठौआ में पानी भर के ला, और काम का तुहार बहनिया के करत रही का? अरे चुप्पा हो जा, अरे ना चुप्पा हो को तो देख हम कलुआ के सामने मारा ना। अब प्रभु खड़े और चुप्पा हो जाओ, कठौआ में पानी ला। लात है, लात है। अरे प्रभु ईना घर के रस्ती ऐसे नहीं चलत है। फुलवा तनी अपने अचरा से पैर साफ करते। हाँ? भाग बढ़ जाए हैं। हाँ हाँ प्रभु, हमका आशीर्वाद दियो प्रभु। अरे आशीर्वाद तो प्रभु का बिल का। अरे ले ये चन्नामृत, पहले मैं पान कर लूं। हे धन्य भाग, ले फुलवा तू भी पी ले। कलुआ को भी पिलाए दे, अपना बचुआ है ना। ले कलुआ तू भी पी ले। ओ कलुआ की माई, ऐसन करो तू ये चन्ना अमृत पूरी बस्ती में बांट दे। आवा प्रभु आवा, तनी नैया पवित्र करा। अरे सीता मैया, अरे लक्ष्मण भैया, तनी नैया पवित्र करा। आ, 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 आ,
मुद्रिका ले लीजिए, संकोच मत कीजिए, ये केवट को दे दीजिए प्रभु। केवट भैया, लो ये तुम्हारी उतराई है। का कह रहे हैं प्रभु? आप हमको उतराई दे रहे हैं प्रभु? ये कोनो न्याय नहीं है प्रभु, ये कोनो न्याय नहीं है। नाई सेना नाई लेत, धोबी सेना धोबी, देके उतराई मोरी जात ना बिगारिए, देके उतराई मोरी जात ना बिगारिए। क्या क्या हम मल्ला है? हाँ लक्ष्मण भैया, प्रभु मल्ला ही है। अरे आप आए मेरे द्वार, मैंने आपको उतारा जी। प्रभु जब मैं आऊं आपके द्वार, प्रभु मोही को उतारियो, प्रभु मोही को उतारियो। केवट, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी, हम तुम्हें निर्मल भक्ति प्रदान करते हैं, तथास्तु। हे रघुवंशियों, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि जग में तुम्हारी कीर्ति सदैव उज्जवल रहेगी, तथास्तु।
करके। आयुष्मान भवा। आओ रघुवंशियों, भारद्वाज मुनि के आश्रम में तुम सभी का स्वागत है। आओ आसन ग्रहण करो। जो आज्ञा मुनिवर। रघुनाथ जी, रघुनाथ जी, हमें ना आगे का रास्ता पता है। रघुनाथ जी, मैं सच कहता हूँ, मुझे पता है आगे का रास्ता। रघुनाथ जी, ये असत्य बोल रहा है, इसे नहीं पता आगे का रास्ता। रघुनाथ जी, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको लिए चलता हूँ। अरे भैया, जिसको रास्ता मालूम है वही बता दो। चलिए प्रभु। हम दोनों को पता है रास्ता। हाँ प्रभु, हम दोनों चलते हैं। यही महावन रे कहलाए, मन आनंद तो।
मुनिवर, हमें निवास के लिए कोई उत्तम स्थान बताएं। अवश्य राम, रघुवंश की पताका श्री राम, मैं आपको एक सुंदर स्थान बताता हूं जिसका नाम चित्रकूट है। वहां का सौंदर्य अद्वितीय है, वहां की छटा निराली है। वहां अपने अनुज लक्ष्मण और अपनी भार्या सीता सहित विश्राम कर सकते हैं। ये स्थान आपके लिए अति उत्तम रहेगा। दीनानाथ, आपके चरण इस जंगल में पड़े, हम धन्य हो गए प्रभु। हम सब आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहेंगे प्रभु, सदैव तत्पर रहेंगे।
प्रभु, इस कौवे ने मुझे चोंच मारकर घायल कर दिया। प्रभु आ प्रभु। सीते, ये रक्त की धारा कैसे बह रही है? अच्छा, तो इस दुष्ट कौवे ने आपके पैर में चोंच मारकर घात किया है। मैं अभी इसको मजा चखाता हूं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।